शोएब मलिक के फैंस हो जाएं तैयार, क्योंकि शोएब जहां आपको सीरियल्स में नजर आते हैं, वहीं आजकल शोएब बैक टू बैक गानों में भी फीचरिंग करते नजर आ रहे हैं। जी हां, और शोएब मलिक ने अपने फैंस के साथ एक और आने वाले गाने की कर दी है अनाउंसमेंट, और किया है फैंस के साथ इस गाने का पोस्टर शेयर। जी हाँ, 6 नवम्बर को शोएब मलिक एक गाने में फीचर करते नजर आएंगे और इस गाने का नाम है तेरे इश्क ने। वेल, सॉन्ग के टाइटल से तो लग रहा है कि एक रोमांटिक ट्रैक होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं एक सूफिज्म के साथ जुड़ा होगा, जिसका म्यूजिक रोमांटिक एंड सटल होगा। वेल, आपको बता दें कि इसमें शोएब मलिक के साथ नजर आएंगी मलिका सिंह, और तेरे इश्क ने गीत को गाया है साज भट्ट ने। वेल, इस गीत को कंपोज किया है आशीष खंडल ने और लिरिक्स लिखे है इसके गुलाम मोहम्मद ने। वेल, तेरे इश्क ने गीत को डायरेक्ट किया है नितेश त्यागी। इस गाने को 6 नवंबर को वोइला डीजी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। एंड आपको बता दें कि इस गाने का पोस्टर शेयर करते हुए मलिका सिंह लिखते हैं, अ टेल ऑफ प्योर एंड इनोसेंट लव, तेरे इश्क ने रिलीजिंग ऑन 6 नवंबर ऑन वोइला डीजी, कांट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच इट। वेल, ये गाना बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि शोएब मलिक अपने बेटे रुहान के होने के बाद बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें फैमिली भी मैनेज करनी होती है और साथ ही साथ अपने काम पर भी ध्यान देना होता है। तो दोनों चीजों को शोएब अपने परिवार के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी दीपिका के साथ हमेशा सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ शेयर भी करते हैं। वेल, आपको बता दें कि अब तेरे इश्क ने सॉन्ग में शोएब के साथ मलिका सिंह की केमिस्ट्री कैसी नजर आती है, ये देखने के लिए फिर आपको 6 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लव सॉन्ग है, और जैसे कि मलिका सिंह ने कहा है कि ये एक प्योर एंड इनोसेंट लव गाना होने वाला है। तो इस गाने के जरिए कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी अपने चाहने वाले को ये गाना डेडिकेट भी कर सकते हैं। वेल, इस गाने का पोस्टर आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, और तेरे इश्क ने सॉन्ग आपको कितना इंतजार है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेल, शोएब मलिक की गानों के साथ साथ आप क्या उनके सीरियल्स भी देखते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो जल्द ही फिर से वापस आएंगे एक और बॉलीवुड अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए देसी चैनल के साथ।